और एक तीनों सास बहु और नंद भाभी नाम दिए को हो और प्यार ते और नाम खसम को हो अल्लाह ताला भारत भारतवासियों पर दुनिया दुनिया वालों पर अमन सलामती शांति उन्नति अता करे। मैं कि कैसा त्योहार देख रहा हूँ, कैसा कल्चर देख रहा हूँ। माँ को, बहन को, बेटी को, बहू को घर की घर के बाहर ठहरा कर एक तरफ मर्द हजरात बच्चों के साथ खड़े रहकर, यंग बच्चों के साथ खड़े रहकर, 8-9-10 साल के बच्चों के साथ खड़े रहकर गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं एक मर्द घर की सास बहू ननन सबके लिए काफी हो जाएगा बिस्तर पर वगैरह, गंदी बातें, गलीज बातें। कैसा मजहब, कैसा त्योहार, कैसा कल्चर है ये? बिल्कुल शैतानी हरकत है, इंतहाई गिलाजत वाली शैतानी हरकत। अपने घर की औरतों के बारे में कैसा बोल सकते, किसी भी औरत के बारे में कैसा? और इस पर कह रहे हैं कि मुसलमान अपनी औरतों से हिजाब हटाए ताकि तुम्हारी औरतों की तरह हो जाए। ना ना ना, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं ये शैतानी हरकतों से निकलो, वेदा गीता उपनिषद पढ़ो, कुरान हदीस पढ़ो, बाइबल गुरु ग्रंथ पढ़ो, जानोगे सबका मालिक रब अल्लाह एक है, उसी की इबादत से स्वर्ग वरना नर्क, लिंगम जानवर पत्थर मूर्ति इंसान मुर्दे तागे ताविजा गंडे पलितों की पूजा से नर जानो, एक अल्लाह की इबादत से स्वर्ग और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से स्वर्ग। इस्लाम लाओ, माँ बहन बेटी बहू को इज्जत दिलाओ, इज्जत पाओ, दुनिया में इज्जत और कामयाबी, आखिरत में इज्जत और कामयाबी, वरना बर्बादी जिल्लत और तबाही। तय कर लो, इस्लाम लाओ कामयाबी।